उधर। लगता है फिर से कोई नई घटना घटी है। किसान प्रमुख और उसके साथी किसने मार डाला इसे? महम ने। क्यों? अपराधी था, सब अपराधी। सब सब अपराधी, सब अपराधी। क्या अपराध किया था इन्होंने? ये लखो, ये सत बोला, अपराध किया। वो साम भी, इसने न्याय मांगा, अपराध किया। मैं भी पहनजोदारों के हित में बोला, पर प्रधान माहम ने मेरा सब छीन लिया, विध्वस्त कर दिया। अब कोई शोर नहीं। सारे शव इस हाल में क्यों है लुथार? देह पूजन क्यों नहीं हुआ? अनुमति नहीं, न जलाने की, न माटी तले दबाने की। और जिसने प्रयास किया उसका अगले सूरज यही अंत हुआ। मानव जानवर पर वार करे, ये देखा है मैंने, अपने हाथों से मारा भी है मगरमच्छ को, मगर मानव की मानव पर ऐसी क्रूरता, ये ना कभी देखा ना सुना है लोथर। और अब देख के चुप रहना, कुछ ना करना, ये मुझसे नहीं होगा। रखपाल है तू लोथार, रखपाल। ये अन्याय देख चुप कैसे रह पाए तू? ये इतना सरल नहीं सरमन। इस नगर से कुछ तो नाता है मेरा हो जो, वरना हिकसिंगा मेरी ही सपेने में क्यों आया? दुर्जन काका के पास वह तांबे की मुहिर क्यों थी जो सिर्फ ही उचनगर वासियों के पास होती? ये नगर जाना पहचाना अपना सा क्यों लग रहा? जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते मैं यहां से जाने वाला नहीं। बदलने से निचले नगर की बहुत हानि हुई है, इसलिए प्रधान महम ने मोहनजोदारो वासियों के कर में बढ़ोतरी घोषित की है। और कर कहां से दूं? अब जो भी बचा है उससे अपने बच्चों की भूख मिटाऊं या इस राक्षस के पैरों में रखूं? महम की मदद नहीं चाहिए, अब और नहीं सह सकता। मगर और कोई रास्ता भी तो नहीं? महम के आदेश का पालन ना किया तो शूल पर चढ़ाए जाओगे। ए महम के वाहक सुन, प्रधान महम को संदेशा दे दे कि हम नगरवासी ये कर नहीं भरेंगे। कौन सर फिराया तू? बोल देना महम को कि मोहनजोदारो वासी उसका आदेश नहीं मानेंगे। मूर्ख लड़के, महम के विरुद्ध जाने का परिणाम मरण है, मरण। पर बढ़ोती कर का परिणाम भी मरण ही है, मेरे बच्चों का मरण, मेरे परिवार का मरण। अपने बच्चों को मरता देखने से भला मैं कर ना भर के महम के हाथ मारूं। कौन जन मुझसे सहमत है? हाँ, ये सही बोल रहा है। मैं सहमत हूँ, मुझे बढ़ोतरी कर नहीं भरना है।
अफवाह को मैंने पहले कभी नहीं देखा। 20 बरसात में ऐसा कभी नहीं हुआ। अचानक ये ताव कैसे आया? कुल का पता कर, ये युवा कौन है? अभी के अभी ताक रही है। कुछ तो बोल जानी, इस चुप्पी से कहीं सिंधु पलट के दूसरी ओर ना बह जाए। से जो कभी हुआ ही नहीं, उसे कैसे कहूं जुना? यूं लग रहा है जैसे तपती धूप में पानी बरसा और आकाश सतरंगी हो गया। ये कर्तव्य अमरी से आए उस युवा का क्या लगता है? मुझे बचाने के बहाने आया और चिट चुरा ले गया। युवा? कौन युवा? वही जिसकी आंखों में तेरी आंखें जा अटकी है। उसकी सोच भी मन में मत आने दे जानी। जो कहीं प्रेम हो गया तो? तेरे बाबा ने सिंधु को छू के वचन दिया था, वो टूट नहीं सकता। जानती हूं मैं, पर अब मेरे बस में कुछ नहीं है जुनू। पर ये सब हुआ कब? एक बात बता दो, अब तक मैं ही सबकी रक्षक बनी, मेरी ढाल कब कौन बना? जब उसने जानवरों को अपने वश में किया, तभी ये मन भी उसका बंदी हो गया। बस सांसें बढ़ती रही और मैं मौन टाकती रही। अब पंख लग गए मेरे जुनू, उड़ने लगी हूं मैं। कुछ भी पहला सा ना रहा, इससे क्या समझू, कुछ सोचता नहीं। नहीं जानी, ये कभी ना हो पाएगा। सूरज थमे ना थमे, इस प्रेम कहानी को थमना होगा, नहीं तो सिंधु दूसरी ओर। बह जाने दो सिंधु को दूसरी ओर। जुनू, मुझे उससे मिलना है, अभी मिलना है। मगर कहाँ मिलेगा वो? मैं तो उसका ठिकाना भी नहीं जानती। अगर अब तक निचले नगर में है तो ढोला वीरा के चरवाहों की राह देखता होगा। अगली सूरज बैल बाजार में मिल सकता है। तो बैल बाजार चलते हैं। शानी, तुझे यहां से नहीं दिखना चाहिए। मुझे चिंता है कि अगर किसी ने तुझे यहां पहचान लिया तो बड़ा संकट होगा। प्रभाव पड़ रहा है इसका, देखते हैं। कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, ना कोई पहचान रहा है। अब बेइज्जत ना हो जाओ, चल उसे ढूंढ निकाले। वो भी ना पहचाने तुझे तो भला। चल ये जोड़ी लेते हैं सरमन, वो जोड़ी का माथा बहुत गर्म है। हो जो, ये तो हंस रही है। हंस रही है? कहाँ हंस रही है? इस नगर की हर लड़की तुझे अच्छी लगने लगी है। भी हो गई और वहां वो दो जोड़े बैल। जानी देख लिया ना, अंकल बीच बाजार में खड़ी है, सुनसान में नहीं। कभी भी कुछ भी हो। मैंने बनाई।
आज तूने वो मुकुट नहीं पहना, लेकिन मैंने तुरी तो पहचान लिया। हाँ, तुझसे मिलना था। मुझसे मिलना था? बिना मुकुट के तू और भी सुंदर है। पता है, वो मुकुट उतारते ही सब कुछ कितना अलग लग रहा है। इस रूप में मुझे कोई पहचान नहीं रहा, कोई मेरे आगे सिर नहीं झुका रहा। ना किसी को आशीष देना है और ना किसी को बचाना है। जो जी चाहे कर सकती हूँ मैं। और पता है ये सब क्यों हुआ? क्यों? तेरी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, ना तो मुझे मिलता और ना मैं अपने आप को मिल पाती। मेरे साथ नगर देखने चलेगा? मैं? हाँ हाँ, चल आजा। कुलका ने उसे भी देखा है, संकट उसे भी है। जुनू आ मेरे संग। चलो जन, व्यापार के लिए यह मुहिर सारी सिंधु भूमि पर लागू कर दो। कौन है वो विद्रोही? किसमें है साहस मेरे आदेश को नकारने का? उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई प्रधान, पर नवलोकनी की खबर लाया हूं। उसे मैंने अभी एक दूसरे युवा के साथ देखा है। बुद्धिमान, चांदी और मूंजा के मेल का दिवस तय किया जाए। चांद स्नान की रात से पहले चांदी का मेल नहीं हो सकता है प्रधान।
गए इस वक्त। कहाँ था तू? जानी से मिलने गया था, वो पूजा स्थल में नहीं थी। होगी भी कैसे, आज महास्नान कुंड में चांद पूजन है, जब तक वो संपन्न नहीं हो जाता जानी पूजा स्थल नहीं लौट सकती। चांद पूजन? हाँ, आज मिलन रात है। आज रात जो कोई संगी चांद को साक्षी रखकर अपनी संगिनी से अपने मन की बात कह दे, तुम दोनों का मेल तय है। सच? फिर तो आज रात मुझे उसे मिलना ही होगा। तू वहाँ नहीं जा सकता शर्मा, अगर मुंजा ने तुझे देख लिया तो। लोता ठीक कह रहे, फिर भी मैं जाऊंगा। सरमन, मन के साथ बुद्धि भी खो बैठा है क्या? मन बुद्धि नींद चैन सब खो चुका हो जो, आज तो उसे बताकर ही रहूंगा कि वो मेरी संगनी है। Sarban!
नानो खापी असाजो जेद कतको नदी अमावांते हेको दी नराते जवो बरी हिग बेरो बिहार अमरी आज सपूतनी असाके बचायो आ है क्योंकि सासी युवाओं ने अमरी गांव को इस मगरमच्छ राकस से बचाया है। लख लख थोरा सर में लख लख थोरा। सरमन तेरा बल शत गुना बढ़ जाए। भीमा हर बार तू क्यों? सारे आमरे में और कोई कुशल नहीं है? कोई भी अड़चन आए तो सबको सिर्फ तू क्यों दिखता है? क्या सत है? नरा नदी राह बदले तो सरमन बांध बांध कर पानी को खेतों की तरफ लाए। बीज कब बोए, फसल कब काटे, बरसात कब होगी, जैसे सरमन को पूछे बिना आमरे में चांद सूरज उगेगा ही नहीं। ये लो, जिसकी पीठ सहलानी चाहिए उसे डांट लगाई जा रही है। काकी मां, जब मदद कर सकता हूँ तो हाथ बांधे क्यों बैठूं? आज तो मेरी जान ही निकल गई थी तेरे और उस राकस के बारे में सोच सोच कर। मेरी चिंता तू छोड़ काकी मां। तू ये क्या गीत गुनगुनाती रहती? ये धुन आमरी का गीत तो नहीं? काकी मां, तूने कभी एक सिंग वाला जानवर देखा है? हिरन जैसा माथे पे लंबा नुकीला सिंग। क्यों पूछ रहे तू? मेरे सपीने में आया था। सपीना ही था। अब जा, तेरे काका खेत में राह देखता होगा। इस बार नील की फसल बहुत कम हुई सरमन। दूर सिंधु नदी राह बदलती है तो अपनी नरा नदी अपने गांव से मुंह फेर लेती है। इस माटी में फसल कैसे फलेगी? काका, एक सवाल पूछूं? मोहनजोदारो, अगले सूरज सब निकल रहे हैं, इस बार जाने दे मुझे बाजार में। तीन बरसात से एक ही रट लगाए रखी है, मैं सुन सुन के थक गया, तू पूछ पूछ के नहीं थकता? जब तक तू हाँ नहीं कहता ना मैं पूछता रहूंगा। काका, मुझे दूर भूमि तक घूमना है। किस कोने सूरज उगता है, किस कोने छुपता है, सिंधुमा बहके कहां गिरती है, ये सब देखना है मुझे काका। चिड़िया का बच्चा समय से पहले घोंसला छोड़ दे दौड़ नहीं सकता सरमन। सरमन खाना क्या हुआ? फिर से मोहनजोदारो जाने का हट कर रहा है, ना कहा तो रूठ गया। ओस की बूंद है उसका गुस्सा, कुछ पल में हवा हो जाएगा, मगर कब तक रोक पाएंगे उसे दुर्जन? जब तक हो सके। हिक्सिंगा के बारे में पूछ रहा था मुझसे।
समझ में नहीं आता कि मोहनजोदड़ो में ऐसा क्या है जो काका को इतना बेइज्जत करता है। डरते हैं, तू वहां गया तो वहीं का हो जाएगा। मोहनजोदड़ो देखने का मन नहीं करता क्या? आमरी की बाहर की भूमि कैसी होगी, लोग कैसे होंगे, लड़कियां कैसी होंगी? आज तक आमरी में तो तुझे कोई पसंद नहीं, मोहनजोदड़ो की लड़कियों पे क्या मणिक मोती चढ़े होंगे? मैं क्या जानू, लेकिन मेरा मन कहता है कि जो मेरी संगनी बनेगी ना उसकी जैसी पूरी सिंधु भूमि में दूसरी नहीं होगी। फिर तो तेरी संगनी तुझे मिलने से रही सरमन। हर बाजार से पहले यही होता है, काका नहीं चाहता है कि तू जाए सरमन, ये हट छोड़ दे। लेकिन मुझे मोहनजोदड़ो जाना है हो तो अब क्या पंचों के रास्ते मोहनजोदड़ो जाएगा? सूरज उगने को है, हमें निकलना होगा। निकलना पड़ेगा, कहाँ गिरे? मोहनजोदड़ो। मोहनजो भागकर काका को, माँ बाबा को पता चला तो? मोहनजोदड़ो में सौदा आसान नहीं सरमन, मैं जो राय देने जा रहा हूं वो गांठ बांध ले तू। बोल काका। कुछ भी हो दाम मत गिराना। मोहनजोदड़ो का रंग ढंग आमरी से भिन्न है, वहां लोग नहीं लोभ लालच बसते हैं। देख परख के भरोसा करना और किसी अनजान को दोस्त न समझना। तू चिंता ना कर काका, जो की आग सरमन पे ही होगी। बोल जी, आज तक तू मेरे लिए लेन देन करता आया है, इस बार सरमन जाएगा, मैं उसे रोक नहीं पाया, संभाल लेना उसे। ठीक। ये खाना तेरे लिए, ध्यान रख अपना। ए, चलो रो चलो। इसे रख अपने पास, जो कभी जीवन मरण का सवाल हो ये पोटली तभी खोलना, वचन कर। मोहनजोदड़ो, और ये है हमारी पवित्र नदी सिंधु माँ। Oh!
कैसे बनाया होगा? वो कैसा चिन्ह भूलिए काका? छह जी, ये सिंधु भूमि के छह नगरों का चिन्ह है। हर जनावर एक नगर का प्रतीक है। वो जनावर कौन सा है? एक सिंह वाला? वो एक सिंघा है सरमन, सिंधु प्रथा का सबसे पवित्र पशु, मोहिंजोदारो का प्रतीक। व्यापार का बिल्ला ले लो। चार गुना पांच नील गुनी आमरी से एक गुनी वरक चार गुनी गेहूं उधर रख। उधर हमारे नील का कर कहां जाता है? चलो शुक्र लोथल से कपास की गोली। क्यों आया यहां? तो देखो लौट जा। मेरी बात सुन, ये लालची नगर है, ये ठगों की भूमि है। अपनी जान बचा नहीं तो जल जाएगा। चला जा। अरे हट, व्यापारियों का रास्ता छोड़। मर जाना, हट जा। नाम है जखीरो। दुख होता है इसे डांटकर, पागल कहते हैं सब इसे, मगर इसी पागल के पूर्वजों ने इस महानगर की पहली ईंट रखी थी और यह भी कभी इस विराट सभा की चमक हुआ करता था। सरमन, घर के ऊपर घर, ये सब पहले मैंने देखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर इतना जरूर है जैसा सोचा था हूबहू वैसे ही निकला। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सरमन, जैसे मेरा यहीं के लिए जन्म हुआ। निहार तो उन्हें। हम यहां सिर्फ ये व्यापार के लिए आए हैं, भूलना मत। वही तो कर रहा हूं, मन का व्यापार। चरबट कंकाल, अपने डेरे के लिए थोड़ी तू जगह ढूंढ लो, वरना खड़े के खड़े रह जा। चलो रे, चलो चलो। बाजार में रौनक है तो वो परदेसी व्यापारियों के कारण। परदेसी व्यापारी कहाँ हैं? कहाँ हैं? वो ऊंची टोपी वाले दिलमून से है, यहाँ सामग्री लेकर दूर दराज के नगरों में सौदा करते हैं। मक्कनवासी हैं वो, इनके जहाज इतने बड़े होते हैं कि एक ही समय पर 100 यात्री आराम से दरिया पार कर सकते हैं और 20 सूरज लगते इन्हें मक्कन पहुँचते पहुँचते। 20 सूरज दरिया के अंत में इनके जहाज गिर नहीं जाते? वो जानने वाला ही जाने। और वो बुखारा से है, दूर उत्तर की भूमि जहाँ तीखी सर्दी पड़ती। लेकिन ये कौन सा जानवर लाए? क्या ये दूध देता है? नहीं, दूध नहीं, तेज दौड़ता है, इधर उधर ले चलता है। नाम क्या है इसका?
घोड़ा घोड़ा। एक पहर बीत गया। इस नीचे कपड़े को रंग दो, दीवार पे लगा लो, ले लो। 8 गुनी गेहूं के बदले 3 गुनी नील लेंगे। नहीं नहीं, 10 गुनी गेहूं से कम नहीं ले सकता। नहीं नहीं, 10 नहीं 8 गुने। अरे पहले गुण तो देख। उच्च दर्जे का बीज, सही समय बुआई कटाई, नारा नदी के जल और आमरी गांव के प्रेम से सिंचाई, ये गुण है इस नील में, इसलिए 10 गुनी गेहूं से कम नहीं ले सकता। सुन, जो दे रहे वो ले ले, बाजार ढीला है इस बार, वो कहीं और सौदा पटा लेंगे। सरमन, क्या देना काका ने क्या कहा था, दामत गिराना। पर व्यापारी तो पहले से अधिक है, फिर बाजार ढीला क्यों? व्यापारी कम दाम का फायदा उठाने आए हैं। सिंधु नदी पर जो बांध बनाया गया है उसी का असर सारी भूमि पर पड़ रहा है। बांध? अरे रुको रुको रुको, हो जो हाँ? 8 में सौदा पक्का कर ले। अपने घरों के लिए हाथी के दांत ले लो। शुक्र है तेरा। मैं लोथार, मोहनजोदारो का रखपाल। सरमन, खोजो लोथार। और सरफिरे जखीरों को अपनी शाल दी तूने, यहां ऐसा कोई ना करता। हम फोर्ट डीजी के बुनकर हैं। सिंधु नदी ने अपनी धारा बदल दी, हमारा गांव गली कूचे छापर नष्ट हो गए, अब खाने को अन्न नहीं, बुना कपड़ा भी बह गया। यह मूंजा है, विराट सभा के प्रधान महम का बेटा। और कुछ कथा धागा, बस यही जमा पूंजी है पूरे गांव की। 4 लाख वरद मिल जाए तो हमारे गांव का अगली खेती तक गुजारा हो जाएगा। देख बुनकर, तेरे कपड़े के लिए सिर्फ ही 2 लाख वरद दूंगा। 4 की 4 है तो कोर्ट डीजी की एक एक नारी को रोज चांद उगते ही मेरे कुचे की राह दिखानी होगी। ए धनी, अपने बोल वापस ले वरना। सामग्री का मोल 4 लाख वरद है, जो स्वीकार नहीं तो सौदा नहीं। हमाल खोर कौन है तू? पता है मैं कौन हूं? मैं कौन तू कौन कोई मायने नहीं, लेन देन का एक ही नियम है, खरा सौदा। यहां खरा वही जो मैं कहूं। 4 लाख वरद, ना एक कम ना एक अधिक, वरना सौदा रद्द समझो। ये जंगल क्यों लगा रखा है? सब व्यापारी अपने स्थान पे लौट जाओ, चलो जाओ। 2 लाख वरद में सौदा पटा मानो, धनी बहस के आदि नहीं। परदेसी व्यापारी को माफी दे, मोहनजोदारो के नियमों से अनजान है। दो लाज वरद, सामग्री पीछे बैलगाड़ी में रख दो। अब जो किया और फिर मत दोहराना, अगली बार कदाचित बचा ना पाऊं। याद रख, ये तेरा नगर नहीं। मैं भी किसान हूं, फसल उगाने में जो कष्ट लगता है मैं जानता हूं। और ऊपर से उसने कोर्ट डीजी की स्त्रियों के सौदे की बात की, मैं चुप कैसे रहता? हाथ में सामग्री का नहीं रहन बसर का सौदा होता है, घड़े नहीं पेट भरते हैं। काका सही कहता है, इस नगर में लोभ लालच बसते हैं। हो जो सामान समेट, जहां हवा में खोट की बू हो वहां सांस नहीं ले सकता मैं। हम लौटेंगे अमरी। लौट जाए जेबू बेल, बिना अमरी लौटे तो काका हल पे मुझे जोत देंगे। कुछ देर सांस ले ले सरमन, कदाचित हवा बदल जाए। जुनू इधर आ, वो देख।
खाना। वो चानी है, हमारे पुजारी की बेटी। हर एक उसके आगे सर क्यों झुका रहा है? सिंधु माँ की कृपा का प्रतीक है वो। कहते हैं चानी का जन्म मोहनजोदारो के नए सूरज का संकेत है। नया सूरज? चानी वो देख। क्षमा मांगो जुनू से। जाने दे चानी, कान में बात नहीं पड़ी, मांगो क्षमा नहीं तो हम तुझे मेंढक बना देंगे। मेंढक? अंतिम चेतावनी दे रहे हैं हम, जो क्षमा नहीं मांगोगे तो तुझे मेंढक बना देंगे। लगता है ये परदेशी है, नवलोकिनी की बोल कभी असर नहीं होते। वो कुछ भी कर सकती है, उस पर सिंधु माँ का वरदान है। क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। लगता है सिंधु माँ की कृपा में बहुत तेज है। मैं नहीं जानती थी कि तू सच में मानव को मेंढक बना सकती है। हमारे कहने से बादल पानी बरसाते हैं क्या? हम तो बस उसे डरा रहे थे, डर तुम गई। अब घूरना बंद कर। हवा में खोट की बू हो वहां सांस नहीं ले सकता मैं। तो सही कह रहा था सरमन, हम सामान समेट लेते हैं, हम आमरी लौटेंगे। चले सरमन, या अचानक मोहनजोदड़ो की हवा महकने लगी, चमक लो। चल चल बट। प्रधान महम, सभी व्यापारियों का मोहनजोदड़ो के बाजार में स्वागत करता है। महम की शुभेच्छा है कि व्यापार में बढ़ोतरी हो और मोहनजोदड़ो सारी सिंधु भूमि का सबसे महाकाय नगर बने। प्रमुख जन, 15 बरसात पहले मैंने मोहनजोदड़ो को जो वचन दिया था वो पूरा हो गया। हड़प्पा ने हमें अपनी एड़ी तले दबा कर रखा था। सारी सिंधु भूमि में जहां कभी व्यापार के लिए सिर्फ ही हड़प्पा का नाम लिया जाता था, आज हर एक व्यापारी मोहनजोदड़ो में आता है। अब वो सूरज दूर नहीं जब मैं हड़प्पा का नाश करूंगा। ये विराट सभा तेरे नियमों से सहमत नहीं है महम। हड़प्पा के नाश का कारण जो हो सो हो, पर मोहनजोदड़ो के विनाश का कारण तू होगा महम। हड़प्पा की पराजय से क्या इस नगर के वासियों की उन्नति हुई? नहीं। सिंधु पर बांध बनने से क्या हमारी उपज में बढ़ोतरी हुई? नहीं। निचले नगर की सड़कें और दीवारें ढह रही हैं, क्या उनकी दुरुस्ती हुई? नहीं। निचले नगर के सुधार के लिए साधन चाहिए जो हमारे पास नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि नगरवासियों से और अधिक कर वसूल किया जाए। प्रधान महम,
पंद्रह बरसात तेरे हर किए का परिणाम नगर वासियों ने सहा। प्रमुख जन, अन्याय का विरोध करना ही न्याय करना होता है। तुम चुप हो क्योंकि तुम मां का सत्य नहीं जानते कि यह हड़प्पा छोड़ने पर मजबूर क्यों हो गया था। असत है किसान प्रमुख, याद रख प्रधान महम का अनादर करने का दंड एक ही है। जो कर बढ़ाने के पक्ष में है वो हाथ उठाओ, जो विरुद्ध है वो मुट्ठी दिखाओ। खणिक प्रमुख, रखपाल प्रमुख, कला प्रमुख, कुम्हार प्रमुख, पछवार प्रमुख, ईटकार प्रमुख, माणिककार प्रमुख, चरवाहा प्रमुख, जमींदार प्रमुख, बुनकर प्रमुख, अंग्रेज प्रमुख, व्यापार प्रमुख, किसान प्रमुख। कर बढ़ाया जाएगा। सभा का समापन हुआ। किसान प्रमुख, हमारे संवाद का अंत नहीं हुआ अभी। बोल, अब क्या शेष है प्रधान? ऐसा क्या जानता है तू जिसे बाकी के प्रमुख अनजान है? तुझे हड़प्पा की विराट सभा से बर्खास्त करने का असल कारण। सभी प्रमुख गणों को सूचित किया जाता है कि व्यापारिक प्रभु महम ने विराट सभा की अनुमति के बिना सुमेर वासियों के साथ शीशम के पेड़ों की तस्करी की। बदले में हम सबको लाभ मिला। इस अपराध के दंड रूप महम को हड़प्पा की सीमा से पार जाने का आदेश दिया जाता है। उस दिन मैंने ठान ली कि मैं अपने अपमान का बदला लूंगा और हड़प्पा को उद्धस्त करके रहूंगा। हड़प्पा से उधर। मोहनजोदारो में सिर्फ ही मैं निर्णय लेता हूं कौन जिएगा कौन मरेगा, और तू नहीं जिएगा। मरण का कोई साथी नहीं होता किसान प्रमुख। अब विरोध नहीं कर पाएगा तू किसी भी सभा में। पुजारी का घर उचनगर में? हाँ। तू हमें लेकर जा सकता है वहाँ? नहीं सरमन, निचले नगर वासियों को वहाँ जाने की रोक है। जिनके पास तांबे की मुहिर हो सिर्फ ही उनको उच्च नगर जाने की अनुमति है। ये मुहिर ठीक?
ये मुहिर तेरे पास कैसे? क्या करा है सलमान? यादे काका ने कहा था कि जब जीवन मरण का सवाल हो। ये जीवन मरण का ही सवाल है हो जो, उसे ढूंढना है मुझे। उच्च नगर वासियों जैसे दिखने का प्रयास करो। तो समय क्यों लग रहा है? ठीक। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरे नगर में आए हों। भूरे रंग की पोशाक में है उसका बाबा जो पुजारी है। आंखें भर ली, मन गुटर को गा लिया, तो अब लौट चले। मेरी बेटी को बचाया, तूने साहस से काम लिया। नाम क्या है? तू यहां का नहीं लगता। सरमन नाम है मेरा, नील का किसान हूं, आमरी से आया हूं। कदाचित तेरा यहां होना सिंधु मां की इच्छा थी। पलट के मत देखना। मैं क्यों पलट के देखूं? लेकिन वो पलटे तो क्या ना? वो मोहनजोदारो की नवलोकिनी, तू अमेरिका बावला किसान, जो चांद सूरज साथ हो गए तो पलटेगी वो।
कहाँ करें? यहाँ चांद सूरज का भी भरोसा नहीं। एक गुनी सुरन के बदले एक गुनी नील। सरमन, एक गुनी सुरन ठीक? खुली अक्स भी नहीं दिख रहा है, वहां व्यापारी निकला जा रहा है। आज आखिरी दिन है, सौदे भी तो पूरे करने हैं। प्रेम नाम करो, क्या करे, सियाने कोई बोधा बना देता है। हो जो, मुझे पूजा स्थल जाना होगा। क्यों? पूजा स्थल के आंगन में धुलाई सफाई का काम मिला है। काम तो है, जाने को बिना देखे मोहनजोदारो छोड़ूंगा नहीं। सिंधु माँ की सवारी है, इसी पर बैठ सिंधु माँ सारी भूमि पर दृष्टि बनाए रखती है। आज लोग हिक्सिंघा का नाम मात्र जानते हैं, मगर हिक्सिंघा को जिसने देखा हो ऐसा कोई जीवित नहीं। ये जानवर मेरे सपने में आया था, नदी के तट पर खड़ा हुआ, ऐसे जैसे कि मेरी राह देख रहा। और ये मुहिर पुजारी, इसका अर्थ क्या है? ये मोहर तेरे पास कहां से आई? मेरे काका ने दी, मेरी रक्षा के लिए। तेरा काका? क्या नाम है उसका? दुर्जन। और तेरा बाबा वो कहां है? कई बरसात बीती, रोग के कारण मां बाबा दोनों देह छोड़ गए। शूजन नाम था इसका। से क्या लाया है इश्मेदगान? मक्तूता शिकरा। मुझा वार कर इस पत्थर पर। इस पर? अद्भुत, तांबे की तलवार है ये। सोन तैयार है महा? बस कुछ और सूरज इसमें दगान, नदी तल की खुदाई पूरी हो जाए, फिर जो तय हुआ है उतना सोन तुझे मिल जाएगा। मेरी कश्तियां धोलावीरा के तट पे तेरी सामग्री समय तैयार खड़ी है, अब कितने सूरज और ठहरना होगा। मैं 20 बरसात से प्रतीक्षा कर रहा हूं इसमें दगान, विश्वास कर जितनी आवश्यकता तुझे इस पीले धातु की है
उससे अधिक मुझे तेरे इन शस्त्रों की है। प्रतीक्षा तो करनी होगी तुझे इसके लिए। ठीक, शुक्र। अब सिंधु माँ का पूजन होगा। ऐसा उत्सव तूने सुमेर में नहीं देखा होगा। पूरन चांद के इस अवसर पे आज नए संगी अपनी संगनियों को चुनेंगे और फिर नवलोकिनी चानी सिंधु माँ की मूरत को महास्नान कुंड में विसर्जित करेंगे। इस रीति से सिंधु माँ की कृपाएं नए संगियों पे और इस नगर में बनी रहेंगी। लेकर ही रहूंगा। कैसे सवाल? जब अमरीत से निकला था तो नहीं जानता था कि रास्ता मुझे कहां ले जाएगा, पर आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरा हर कदम मुझे तेरी ओर ला रहा था। तू मेरी संगनी है चानी, क्या तेरा मन भी यही कहता है? चानी, हम वस्त्र बदल रहे हैं। ठीक, कुछ सवाल करने थे तुझसे। हम सुन रहे हैं। बाजार में बिना मुकुट के क्यों फिर रही थी तू? कौन संग था तेरे? तेरे सवालों का अर्थ क्या है मुंजा? हमारे संग जुनू थी। तेरे वस्त्र तो यहां रखे। तेरे वस्त्र तो यहां रखे हैं। जानते हैं और लाज की सीमा समझते हैं। तू जा तो हम बाहर आए। ठीक। मैंने तेरा लाभ उठाया? हिरन सी आंखों से निहारी थी मुझे, और क्या करता मैं? हाँ, गुस्से से देख रही थी मैं। भूल गई, बड़ी नटखट है तेरी आंखें, चाहती कुछ है कहती कुछ है। अब जान पड़ा कोई लाभ उठाता तो कैसा लगता है? नहीं जान पड़ा, फिर से पता। Thank you.
सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती है। क्यों? ये उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है चानी? हमारा मेल नहीं हो सकता सरमन, सब पहले से ही तय है। क्या तय है चानी? यही कि मैं मुंजा की संगनी बनूंगी। मुंजा की संगनी? ये कब तय हुआ? जब जन्म हुआ मेरा। जिस बच्चे की जन्म लेती ही उसकी माँ देह छोड़ दे, मोहिंजोदारों में उसे साया कहते हैं। मेरा मुख देखे बिना ही सब लौट गए। तभी विराट सभा का बुद्धिमान आ पहुंचा। ये कन्या सिंधु माँ की कृपा है, ये मोहिंजोदारों की नवलोकिनी है। इस महानगर का भविष्य इसके चुनाव पर निर्भर है। एक समय आएगा जब तेरी ये कन्या नया सूरज लाएगी। जब मोहम को पता चला कि मुझ पे सिंधु माँ की कृपा है, तो वो और उसकी संगनी ढोल मंजीरी लेकर मेरे घर आए और उसने उच्च नगर के सभी बड़ों के सामने घोषित कर दिया कि मैं बड़ी होकर मुंजा की संगनी बनूंगी। ये मेल तय है सरमन, इसे कोई बदल नहीं सकता। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो बदली ना जा सके। सरमन जाने जा। जाने पूजा स्थल में तेरा स्वागत है प्रधान। चांद पूजन उत्सव समाप्त हो गया है पुजारी, समय आ गया जब तू अपना वचन निभाए। माम कुछ बरसात और बीत जाए तो अभी कच्चे मन की है चांद। जलन लक्षण तो कच्चा नहीं लगता तेरी कन्या का, उसकी नई संगत की अफवाह सुनाई दे रही। अब एक सूरज देर करना भी अधिक है। माम बस कुछ समय और, मैं चांदी से बात करूं। याचिका नहीं, ये आदेश है पुजारी, और मेरा आदेश न मानने का परिणाम जानता है तू। जो तू चांदी का बाबा ना होता। तैयारी आरंभ कर, दो सूरज बाद चानी और मूंजा का मेल होगा। चानी, तुझे देखकर मुझे मेरे लगन का दिन याद आ गया। तेरे बिन बोले मैं जानती हूं कि मूंजा तेरी पसंद नहीं। मैं माहम की संगनी सही, पर मेरे होने ना होने से किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मगर मैं जानती सब हूं जानी, मेरा बेटा उसके बाबा की तरह थोड़ा थोड़ा खुरदुरा है, मगर मैं बहुत खुश हूं क्योंकि तेरा साथ हो तो कदाचित मेरा बेटा सुधर जाए। तू उसकी संगनी चानी। बने। जूनू, तू चांदी के संग रहना। जब लगन रीति का समय आएगा मैं उसे लेने आऊंगी।
मोहनजोदारो वासियों, मुंजा और चानी के मेल से एक नया सूरज आएगा, और इसलिए मेरा निर्णय है कि मुंजा अगला प्रधान बनेगा और मोहनजोदारो की नई प्रथा का आरंभ होगा। चानी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू मुंजा की संगनी क्यों बनने जा रही है जब तू उसे प्रेम नहीं करती? मुझे मेरा संगी चुनने की छूट नहीं है सरमन, मैं सिर्फ ही बाबा का वचन निभा रही हूँ। नहीं चानी, तेरे बाबा का वचन नहीं, माम का आदेश निभा रही है तू। संगी बनते हैं कोई सौदे से नहीं, मन के मिल से। और तेरे मन ने मुंजा को नहीं चुना। तू नहीं समझा सरमन, मुंजा और मेरे मेल के कारण कदाचित मोहनजोदारो के सारे दुखों का अंत हो जाए। कदाचित यही नया सूरज हो जिसकी सबको चाह है। जानी तू, ये क्या तू सच में सोच रही कि तू मम की पुत्रवधू बनके इस नगर को बचा पाएगी? वो सिर्फ ही तेरा उपयोग कर रहा है, और जिस मेल से मम ताकतवर बन जाए उससे नया सूरज का प्रारंभ कैसे हो सकता है? तू मम से मत डर जानी, मैं हूं ना तेरे साथ। जानी, जानी, जल्दी कर, समय निकला जा रहा है। मम ना सुनने का आदि नहीं है, और आज तक जिन्होंने विरोध किया उनको चुप करा दिया गया। जो मैंने आज ये संगम तोड़ दिया तो दंड बाबा और मोहनजोदारो को भुगतना होगा। तुझे अब वही नवलोक नहीं बनना होगा जिस पर मोहनजोदारो के लोगों का विश्वास है। तू अपने मन की सुन जानी, मैं भी अपने मन की सुन के यहां तक आया था। मन निडर होता वो जो चुनेगा सही चुनेगा। साहस कैसे हुआ मोहनजोदारो के होने वाले प्रधान पर वार करने का, और ऊपर से इस हमाल खोर ने मेरी संगनी को हाथ लगाया? तो तू वही है जिसने नगरवासियों को कर भुगतान के विरुद्ध भड़काया? इस युवा को इन अपराधों का दंड
इसी समय मिलेगा मरणदंड। क्षमा कर दे इसे, युवा परदेसी है, इससे जो भी हुआ अनजाने में हुआ। मोहनजोदारो की नीति नियम का ज्ञान नहीं इसे, इसके मरण का बोझ अपने सर मत ले माँ। नहीं, इसे क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। चूल चढ़ा इसे या मुझे इसका सर धड़ से अलग करने दे। नहीं मुझा, आग ऐसी लगा जिसमें खुद जलने का डर ना हो। इन्होंने मेरी क्रूरता देखी है, अब मेरी क्षमा देखेंगे। पुजारी ने इस युवा के लिए क्षमा की प्रार्थना की है, मैं इस प्रार्थना का मान रखूंगा। मेरा निर्णय है कि इस युवा को अपने बचाव का एक अवसर दिया जाएगा। इसे एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा प्रधान? वही परीक्षा जिसे मोहनजोदारो में सिंधु माँ का न्याय माना जाता है, बकर जोकार की परीक्षा। जो भी तेरी परीक्षा स्वीकार है मुझे, मगर एक इच्छा है मेरी। इच्छा? तेरा अर्थ है अंतिम इच्छा? तो अंतिम इच्छा ही मान। वो क्या है? जो जीत मेरी हुई तो चानी को इस संगम से मुक्ति मिलेगी, मुंजा से संगम नहीं होगा उसका। स्वीकार है। जब तक सिंधु मां न्याय नहीं करती, मोहनजोदारो में ढोल मंजीरे नहीं बजेंगे। कर्जो कर दंड रोक दे मुंजा, मैं तेरी संगी बन के रहूंगी। संगी तो है तुम, ये सौदा कैसा? उसे जाने दे मुंजा, वो सिर्फ ही एक मामूली युवा है। मामूली युवा? उस मामूली युवा ने मुझे नीचा दिखाया। उसे एक जानवर की तरह मरना होगा सारे नगर के सामने। लोगों को उसकी चीख सुनते हुए देखना है मुझे। बकर जोकार का दंड उसे अवश्य मिलेगा। चलो चलो। पंडो हीरो, वैद्य को बुलाओ। अपराध उसका नहीं, मेरा है माँ। जब तूने मुझे प्रेम का अधिकार ही नहीं दिया तो मुझे उससे मिलवाया ही क्यों? क्यों उसे मेरे मन में बसने दिया? हमारे मेल का दंड अगर मरण है तो उसकी नहीं, मेरी बली ले सिंधु माँ, मेरी बली ले, मेरी बली, मेरी बली ले।
सरमन, आज तुझे कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो तुझे जानना आवश्यक है। कैसी बात है? माहम से पहले मोहनजोदारो में जो प्रधान था उसका नाम था सुजन, तेरा बाबा। मेरा बाबा? मोहनजोदारो का प्रधान? पर ये कैसे हो सकता है? हम तो आमरीवासी हैं। तेरे काका दुर्जन ने तुझसे झूठ कहा तेरे बाबा के मरण के बारे में। वो और करता भी क्या, सत कहने का साहस नहीं था उसमें। कैसा सत? सुजन जैसा प्रधान मोहनजोदारो में कभी नहीं हुआ। महम उस समय व्यापार प्रमुख था, उसने सबसे आंख बचाकर सुमेरियों से सौदा तय कर लिया और फिर उसने विराट सभा में प्रस्ताव रखा। सिंधु नदी जब पहाड़ से उतरती है तो उसके इस क्षेत्र में एक पीले धातु की भरमार है, सूरज की किरणों जैसी चमक, सोन। ये और कहीं नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि यहां एक बांध बनाकर सिंधु का जल रोक दिया जाए और माटी तले दबे सोन को निकाल लिया जाए। बांध? तो फिर नदी बहेगी कैसे? बहेगी जकीरो, उसके लिए यहां से जमीन खोदकर हम नदी के लिए एक नया रास्ता बनाएंगे जो फिर से यहां जुड़ जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंधु नदी मां समान है, उसके जल को रोक लगाना सिंधु प्रथा के विरुद्ध होगा। बांध के कारण जो सिंधु दूसरी ओर मुड़ गई तो नगर में पीने और खेती के लिए पानी कहां से आएगा? सिंधु कोई नहर नहीं, विशाल नदी है। एक मामूली बांध के कारण राह नहीं बदल सकती, लेकिन सोन के कारण सारे परदेसी जो हड़प्पा जाते हैं वो मोहनजोदारो खींचे चले आएंगे। व्यापार की बढ़ोतरी होगी जिससे नगरवासियों को लाभ होगा, खुशहाली आएगी, चौड़ी सड़कें, पक्के घर। मोहनजोदारो हड़प्पा से भी अधिक बलशाली हो जाएगा। महम, हवा में घर बनाकर विराट सभा को मत बहका। जो मुझसे सहमत है खुला हाथ उठाओ, जो महम के साथ है मुट्ठी दिखाओ। मैं जकीरो सुरजन के साथ हूं। मैं महम के साथ हूं। मैं महम के साथ हूं। मैं सुरजन के साथ हूं। मैं महम के साथ हूं। मैं महम के साथ हूं। मैं भाई प्रधान सुरजन के साथ हूं। साथ मेरे साथ, साथ महम के साथ। पुजारी अब तू बोल। मैं महम के डर से जो नहीं करना था वही कर बैठा। फैसला महम के पक्ष में हो गया। सिंधु नदी पर बांध बनेगा। और फिर सिंधु पे बांध बनना शुरू हुआ। नगरवासियों ने अपने नगर के लिए चांद सूरज एक कर दिए, मगर सब महम की कूटनीति से अनजान थे। महम ने कभी छल से कभी बल से सबको सुजन के विरुद्ध कर दिया। जो सोन के लालच से नहीं माने उन्हें डकैतों के डर से चुप करा दिया। किरथर पहाड़ों से बुलाए वो डकैत महम के ही नहीं नगर के रक्षक भी बन बैठे। नदी का नया रास्ता बना और माटी तले दबा सोन चमकने लगा। पर तेरा बाबा अब भी बांध को लेकर चिंतित था। महम ने हम सबको धोखा दिया है। बांध इतना विशाल है कि नदी को मुड़ना ही पड़ेगा। हमें इसे रोकना होगा। काम रखो, काम रखो। जो एक बांध बना तो सिंधु महानगर से मुंह फेर लेगी। काम करते रहो।
शुजन पे झूठा दोष लगाया। उसने सारा सोन धोखे से शुजन के घर में रखवाया और फिर उसे पकड़वाया। नगरवासियों, ये कपटी प्रधान कहलाने के लायक नहीं। अपराधी है ये, सारे नगर का अपराधी। इसे मरण दंड मिलना चाहिए। ये सब नहीं है, इसके बहकावे में मत आओ नगरवासी। ये बहरूपिया है, हमारे मोहनजोदारों को उध्वस्त कर रहा है। पुजारी, कुछ तो बोल। तुम मुझे बचपन से जानता है, मैं मोहनजोदारों को बुरा कभी सोच भी नहीं सकता। बोल। और तूने क्या कहा? मैं मुख खड़ा देखता रहा। लाचार था, चानी का मेरे सिवा कोई न था। और दुर्जन का कहा? सत्य भी जानता है, दुर्जन बता दे। बता सबको दुर्जन। मौन क्यों है दुर्जन? सच बता नगरवासियों को। मैं कुछ नहीं जानता। उसका क्या हो? उसे इस घटना से इतना घोर सदमा पहुंचा कि उसने भी उसी समय देह छोड़ दिया। और फिर महम ने विराट सभा को अपने अधिकार में ले लिया। उसने अपने आप को प्रधान घोषित कर दिया। फिर उसने सिंधु प्रथा के आचरण के नियम, सही बर्ताव के नियम, व्यापार के नियम सबका उल्लंघन शुरू कर दिया। और सुजन ने जो कहा था वही सत हुआ। उस बांध के कारण सिंधु नदी मुड़ने लगी और कई गांव पानी के लिए तरस गए। उन सारे गांव के वासी अपनी भूमि छोड़ मोहनजोदारो आने लगे। ये नगर बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए और उनके बोझ तले मोहनजोदारो दबने लगा। महम प्रथा शुरू हो गई। जिसने उसका साथ दिया उसे सोन, बाकी को मरण। अपराध शोषण से नहीं, हमसे हुआ था, मुझसे हुआ था। शोषण के मरण का कारण महम नहीं, मैं था। मैं तुझसे क्षमा भी किस मुंह से मांगू शर्मन, किस मुंह से? इसलिए सब पहचाना सा लगता था। इस माटी में मेरा जन्म हुआ, यही मेरा बचपन भी था। इस नगर के लिए बाबा ने अपना जीवन दिया और इस नगर ने उसको मारा। जो बीत गया उसका सत तुझे बताना अनिवार्य था सरमन। अब सिंधु मां तुझे बल दे और तेरी रक्षा करे। कल अखाड़े में पकर जोकार से सामना हो तो याद रख कि उनसे बड़ा शत्रु है महम, जिसने तेरे परिवार का रक्त बहाकर इस नगर की नींव को खोखला कर दिया। तेरे बाबा के इस नगर को तहस नहस होने से तू बचा सकता है सरमन, महम को सिर्फ ही तू रोक सकता है। ये मेरा नगर है मोहनजोदारो। ये
गुरजान, ओ गुरजान, ये रही तेरी सामग्री। सरमन? सरमन ढोला विरा के मवेशी व्यापारियों के राह देखता, उनसे बैल और बकरी लेकर ही वो लौटेगा। तूने उसे वहां छोड़ा ही क्यों फूलजी? जैसे तू उसे रोक नहीं पाया, वैसे ही मैं उसे ला नहीं पाया। चल, चलता। चल रहे। सांस दोरी हो रही है मेरी। क्या वो जान क्या होगा? पता नहीं। सावधान, सावधान, अब शुरू होने जा रहा है सबसे क्रूर संग्राम। एक अपराधी को मिलेगा दंड, बकर जोकार से होगी जंग। जीवनदान या मृत्यु के पार, सत की होगी जीत और असत की हार। बंदी को उपस्थित किया जाए। कर और जोकार नरभक्षी हैं दोनों, तजिक के पर्वतों से लाए गए हैं। वार करते हैं तो जान लेने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए। हाँ।
कनिष्का यानी मरण।
मोहनजोदारो का तारक है तू, और नगरवासी जो तेरी पहचान जान बह तो वो भी साथ होंगे तेरे। तू ही एक आशा है सरमन, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां कभी जान ना पाएंगी मोहनजोदारो की सच्चाई और अच्छाई। मुंजा, मोहनजोदारो का प्रधान बनना है तुझे, मगर तुझसे हार की बू आने लगी है। मेरा पुत्र बिना रक बहाए मैदान छोड़ दे, ये मैं नहीं होने दूंगा। जो फूलों के बाग में रहना है तो जंगली पौधों को उखाड़ फेंकना होगा। पुजारी, पुजारी और जानी दोनों की अब कोई आवश्यकता नहीं। नहीं बाबा, नहीं, दोष जानी का नहीं है, सरमन का है। जानी को बहकाया उसने, उसकी गर्दन मेरे हाथों में थी। अगर अब मेरे सीने की आग उसके रक्त से बुझेगी। जानी मेरी है। आंख खोल मुझा, प्रेम तुझे निर्बल बना देगा। मुझा प्रेम नहीं, राज कर। आने वाले समय में मोहनजोदारो तेरा, तमाम सिंधु भूमि तेरी। जिस कुमारी को निहारेगा वो तेरी होगी। लेकिन पहले शस्त्र उठा मुझा, और बहादे रक्त उस नवलोकिनी का, उस पुजारी का, सरमन का। अगला सूरज न देख पाए वो सब। Ah!
ही सच बताना होगा सरमन। सब सुनो, सरमन का मोहनजोदारो से बहुत पुराना नाता है, जिसके बारे में बाबा जान गया था, और इसलिए बकर जोकार का सामना करने से पहले बाबा ने सरमन को सत बोल दिया। वो सत क्या है जानी? वो सत ये है कि सरमन प्रधान श्रुजन का पुत्र है। अमेरिका ये युवा इसी भूमि पर जन्मा, इसी भूमि पर। दुर्जन, और मेरे बाबा को विश्वास था कि जब नगरवासी सच जानेंगे तो वो मिलकर सरमन का साथ देंगे। महम ने हमें एक सर्वश्रेष्ठ मोहनजोदारो का लालच दिखाकर अंधा कर दिया था, लेकिन अब आंखें खुल गई। एक बार जो भूल हुई अब नहीं। सुरजन पुत्र, हम लड़ने को तैयार। हमें राह दिखा, हम तेरे संग हैं सरमन। ठीक, सबसे पहले हमें वो घाव भरने होंगे जो सबसे गहरे हैं। वो नगरवासी जिन्होंने प्राण दिए मोहनजोदारो के लिए, हम उन सबके मरण को मान देंगे, उनके शवों की अंतिम विदाई करेंगे। हाँ सरमन, तू सही कहता है, चल। पहला देह पूजन इसका प्रधान सुरजन का, सत बोला था। मेरा बाबा, क्यों नहीं बताया मुझे मेरे अतीत के बारे में? मुझे डर था सरमन, सुरजन को तो बचा नहीं पाया, डर था कि कहीं तुझे भी गवा न। मुझे क्षमा कर दे सरमन, दुर्बल था मैं, तेरे बाबा समान साहस ना था मुझ में, मुझे क्षमा कर दे। सरमन, हमारे लिए बस तेरे जीवन की चिंता बनी रहती है, तब भी और अब भी हमें क्षमा कर दे सरमन, क्षमा कर दे। बीते को बदल नहीं सकते काकी, अब हमें केवल आने वाले समय को देखना। Thank you.
मेरे पुत्र की अंतिम विधि की तैयारी कर। हड़प्पा परंपरा के अनुसार मूंजा का दह बहते जल में बहाया जाए। हड़प्पा से तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं। जन्म का वास्ता है। वो वास्ता टूटे, कई बरसात बीती। किसने तोड़ा ये वास्ता? धोखा तूने उनको दिया है। किस बात का बदला चाहता है और कब तक बदला लेगा? ये शस्त्र तेरा बेटा वापस नहीं लौटा सकते। ये पीला धातु तेरा बदला नहीं दे सकता। लाशी! मोहनजोदारो की हर अभिदा का कारण तेरा लोभ है महा। मेरे पुत्र के वध का कारण भी तेरा लोभ है। तू जानता है सरमन कौन है? सृजन का बेटा है वो। तूने उसके बाबा को सूली चढ़ाया और उसने तेरे बेटे को। यही सिंधु का न्याय है। अपने बेटे का वध तूने किया है महा। अब तो कुछ भी कर ले, अपना विनाश नहीं रोक सकता। सृजन का बेटा, सरमन सृजन का बेटा है। कई बरसात पहले सिंधु नदी यहां से बहती थी। जानकर भी मैं महम का रखपाल बना रहा, अब मोहनजोदारो का रखपाल हूं। तू बोल, अब क्या करना है? सुमेर की परदेसी व्यापारियों की बैलगाड़े सोन भर के निकल चुके हैं। उन्हें रोकना है और यही एक अवसर है महम के झूठ को सबके सामने लाने का। ठीक, कब निकलना है? अभी। इश्मदगान, ये रास्ता सीधा ढोलावीरा जाएगा। शुक्र है। क्या हुआ? व्यापारी नहीं, तस्कर है तू। अगली बार तूने शस्त्रों की तस्करी सिंधु भूमि में की तो तुझे मेरा सामना करना होगा। भानु, ध्यान से सुन।
बांध पर जा और वहीं रुक, पानी को निहार। अगर कोई भी संकट दिखे तो मुझे आकर बता। ठीक ठीक है, जा। कथन, कथन, शर्मन और उसके साथी सोन ले गए। क्या? पुलका को भी बंदी बना लिया, अब उसे नगरवासियों के सामने खड़ा कर रहे हैं। ये कैसे हो गया? सूरज पूरा चढ़ने से पहले कुलका, सरमन जीवित ना रहे, जाओ। साहब, ऐ सुनो, सभी प्रमुखों को सूचना दे दो कि विराट सभा तुरंत बैठेगी। आज तक उसने तुमसे ये कहा कि सोन के बदले सामग्री मिलेगी जो नगर के सुधार में लगाई जाएगी, पर ऐसा नहीं था। महम सोन के बदले सुमेर वासियों से ये ले रहा था, तांबे के शस्त्र, और अब इन शस्त्रों के बल पर वो हरप्पा में वार करना चाहता है, अपने अपमान का बदला लेना चाहता है वो, और यही है वो कारण जिसके वजह से उसने बांध का प्रस्ताव रखा था। जो मुट्ठी अब तक खुली हुई थी उसे बंद करने का समय आ गया है। चलो विराट सभा। सब तेरा साथ जान गए मां, अब कोई तेरे संग नहीं। आज यहां इसी पल अंत होता है तेरे अत्याचार का। कौन करेगा मेरा अंत? किस में एहसास होगा? तूने अपने मरण को बुलावा दिया है सरमन। जो सर मेरे आगे उठा वो कट गया, सृजन कभी शूल चढ़ा दिया मैंने। जो रक्त तूने बहाया उसी का कतरा हूं मैं, तेरा शूल मैं हूं महम। मार डालो इसे, वार कर, इसके सर के बदले सोन मिलेगा। इसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, नगरवासियों ने तेरे सोन के खादान से लेकर शस्त्रों को भी ले लिया है, तू अकेला है मां, बिल्कुल अकेला। नहीं, इस हमालखोर के बहकावे में मत आना, मैं अब भी प्रधान हूं और तुम मेरे सेवक। सेवक तेरे नहीं मां, सोन के। अब मैं जान गया हूं कि तेरे पास व्यापार करने के लिए कुछ नहीं बचा। सोन से हाथ भरते ही बल आ गया। ये सत्ता का लालच बोल रहा है सरमन। क्या अंतर है तुझ में और मुझ में? अंतर है महम, तुझे मोहनजोदड़ो पे राज करना है और मुझे सेवा, वही सेवा जो मेरा बाबा करता था। ये नगर मेरा है महम, मेरे बाबा सृजन का नगर है ये। विराट सभा प्रमुख, जो महम के साथ हैं वो हथेली उठाओ, पर जो इसके विरुद्ध वो मुट्ठी दिखाओ। मोहनजोदड़ो का अगला प्रधान सरमन।
मोहनजोदारो पे अब किसी प्रधान का नहीं, नगरवासियों का राज होगा। ले चलो उसे, चलो। लेकर नदी द्वार पर जाओ, बैल बकरी को ले लो, गाड़ों को यहीं छोड़ना होगा। नगरवासियों, हमें मोहनजोदारो छोड़ना होगा। नदी के पानी को और नहीं रोका जा सकता, वो बांध तोड़ेगा और अपना रास्ता अपनाएगा और उसके बाद में मोहनजोदारो तितर बितर हो जाएगा। समय बहुत कम है, जाओ अपना सामान लाओ, जाओ जाओ जाओ, जाओ। जो तूने शुरू किया उसी से तेरा अंत होगा। मुझे ले चल, ले चल मुझे। सरवन, तू मुझे यहां कैसे छोड़ सकता है? सरवन, मुझे कैसे छोड़ सकता है? तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? सरवन! मैं तू पर भागा आ रहा हूं। यहाँ है, जाना यहाँ है। पानी का बहाव घास को यहाँ ले गया, तो हमें नाव को पानी में यहाँ उतारना होगा। यहाँ पहुंचने के लिए एक रस्सी को उस किनारे पर बांधकर वापस लाना होगा। कुछ भी करके सारे नगरवासियों को उस टीले पर पहुंचाना होगा। हमें कश्तियों का एक सेतु बनाना होगा, इस पार से उस पार। खानी प्रमुख, मुझे बहुत सारी रस्सियां चाहिए, जमा कर। हाँ। लोथार, तू यहीं पर रहेगा। ठीक। दुजन काका, हट्टे काटे जेबू बैल मुख्य द्वार पर ले आ। खोजो। हाँ। मुझे मुझे बैलगाड़ी के पहिए चाहिए। ठीक। कम से कम चार, और सारी कश्तियां यहाँ ले आओ, समय बहुत कम है, जाओ जल्दी जाओ।
इस रस्सी को कैसे भी वहां पहुंचाना होगा। इधर बांध दो सरमन, संभल के। Thank you.
जाओ। मेरा महम का मरम देखने का।